ओशो प्राकृतिक रूप से नहीं मरे थे, ओशो को मर्डर कर दिया था। जिन लोगों ने ओशो को मारा उन लोगों ने ओशो की फर्जी सिग्नेचर यूज करके आश्रम हड़प लिया है। वो लोग ओशो की देशना मिटाना चाहते हैं। उन लोगों ने ओशो की सन्यासी को माला पहन के आश्रम के अंदर जाने और समाधि दर्शन करने नहीं दे रहे है। आश्रम को काला कर दिया, बुद्ध हल तोड़े, समाधि डिस्ट्रॉय किए और अभी आश्रम भी बेचने लगे है। हम तपोवन नेपाल से अपनी गुरु की आश्रम को प्रोटेस्ट करने वाली कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पुनः भारत जा रहे है। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज ये ब्लॉग हिंदी में होने वाला है। अगर आप ओशो सन्यासी नहीं है, ओशो लवर नहीं, ओशो को पढ़ा नहीं सुना नहीं, सुनने के बाद ये वीडियो देखना आइए, ठीक है? ध्यान से रहना, मिस करना, मैं भी मिस करूंगा क्योंकि बीवी को छोड़ के मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जल्दी आना। रेडी हूँ, मेरा सूटकेस भी तैयार हो चुका है। मैं बाइक लेकर, पठाव लेकर एयरपोर्ट जाके भैरवा पहुँचता हूँ। Now I'm in Tribhuvan International Airport, Kathmandu, and it's time to fly for Bhairava right now. Finally, अभी मैं Bhairava Airport पे land किया। अभी बाहर हूँ, एयरपोर्ट से बाहर हूँ। आज Bhairava और बुटोले बैठेंगे। कल हम बुटोला आकर संत स्वामी के घर में बैठे और सेंटर में बैठे और आज सुबह सुबह हम इंडिया पुणे के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्वामी जी ठीक है ना? ठीक है। हम इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में आ रहे हैं। इस गाड़ी में हम यहाँ से गोरखपुर तक जाएंगे, करीब 2 घंटा लगेगा। हम अभी इंडिया के बॉर्डर से अंदर है और इंडिया में हम गोरखपुर जा रहे हैं। अभी हम गोरखपुर आए हैं, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे है, हम सभी है इधर। अब यहाँ से हम खाना वाना खा के पुणे चलेंगे। खुशी दिख रही है स्वामी जी, क्या है? बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। वक्त हो रहा है, ट्रेन आ रही है उधर से। लंबी लंबी रेल है, लंबी लंबी रेल। सब सन्यासी है इधर लोग जा रहे हैं भाई गोरखपुर। सी यू इन पुणे। फाइनली आई एम इनसाइड दिस ट्रेन एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम इनसाइड। ट्रेन से दरवाजा से आगे देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। ट्रेन का खलासी, ट्रेन का खलासी हो रहा हूँ मैं, ठीक है ना भाई? खुश रहना भाई साहब। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओरिजिन ऑफ लाइफ। अभी हम कहाँ हैं हमको पता नहीं है, लेकिन हम ट्रेन में करीब करीब 15 घंटा बिता चुका है, इसीलिए हम अभी सुबह हुआ है, हम ध्यान करने जा रहे हैं। स्वामी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीवन स्वामी जी। अभी डायनेमिक करने का टाइम हुआ है ना? हेलो हेलो प्रणाम। ट्रेन के अंदर हम मेडिटेशन किया, उसके बाद इंजॉय कर रहे हैं, अभी डांस कर रहे हैं। ट्रेन छूटने लगी, अब चढ़ना पड़ेगा। अभी शाम का वक्त है।
अभी हमारा ट्रेन का सफर समाप्त हुआ है। हम बाहर आ चुके हैं, अब हम आज मुंबई घूमते हैं, उसके बाद हम पुनः पहुंचते हैं। पहले तो आश्रम ढूंढेंगे, अगर आश्रम नहीं मिला तो हम होटल जाके रहेंगे। आश्रम जा रहे हैं, अगर आश्रम पे रूम मिला तो हम वहीं ठहरेंगे, अगर नहीं मिला तो आपने ढूंढ लीजिए, ऊपर ठीक है, ढूंढेंगे ना। हाँ ढूंढेंगे, हाँ वही बात है। टैक्सी में जा रहे हैं, हम घूम रहे हैं। कल का भी है दिन, कल का देखते हैं क्या होता है। कल का टेंशन नहीं लेते हम, तो आज ही का टेंशन लेते हैं, आज ही का बात करते हैं। हम आश्रम में बैठने का बात थी, लेकिन आश्रम पे जगह नहीं था, इसीलिए हम होटल ढूंढ के मलाई आज ज्वरो आउँछ मलाई थाहा भइसक्यो। यस्तो भहनी है ना, एक तो प्रेसर लो है। भाई साहब, इसका नाम क्या है? चिकू है इसका नाम। टेस्ट में कैसे होता है चिकू? मीठा होता है, मीठा होता है। मैंने तो पहली बार सुना इसका नाम चिकू। बोल दूँ सुनो, मैं चिकू पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ आपके पसल से। स्वाद तो नेपाली में इसका क्या कहते हैं मालूम है? नेपाली में खल्टू कहते हैं, खल्टू कहते हैं इसे स्वाद है। अभी अंधेरा होने लग रहा है, मैं मुंबई का बीच पे हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे दिखता है मुंबई के बीच, और ज्यादा मस्ती है पानी के छाल। बीच के किनार पे हूँ और हम तरह तरह के फल फूल टेस्ट कर रहे हैं। उसका नाम क्या था? प्रेम, प्रेम है ना। फाइनली मुंबई घूम घूम के हम अभी पुणे पहुंचे हैं। पुणे पे हम आश्रम के लिए पुणे आ रहे हैं। हम रजिस्टर करके बैच भी ले लिया, सेफ ओसो लिगेसी एंड समाधि। 12 लोग नेपाल से आए हुए, हम साथ आए थे 12 लोग। 12 लोग यही रहेंगे, यही सत्संग करेंगे, गुरु का तस्वीर भी इधर है, मजे में रहेंगे इधर। फिर हम कल जाएंगे एंड वी विल फाइट फॉर आवर आश्रम टुमारो। इसके अंदर सो रहे थे, अभी हम सुबह हुए, हम स्नान करके नहाई नहाई करके हम इधर डायनेमिक मेडिटेशन चल रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे भी समय होता है, हम डायनेमिक करते हैं, कुंडलिनी करते हैं। हम स्वामी आनंद अरुण से तब वन से हम यही सीखाए, ओसो से यही सीखाए, इसलिए हमारा दोस्त अंदर डायनेमिक मेडिटेशन कर रहा है। डायनेमिक किया, फिर इट्स टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट राइट नाउ, एंड वी डिड मेडिटेशन इन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट वी आर रेडी फॉर ब्रेकफास्ट, सो ऑल द पीपल गैदरिंग फॉर डिस्टर्ब द लेगेसी ऑफ ओशोज आश्रम। दिस इज द एरिया टू हैव ब्रेकफास्ट। हमने अच्छा से नाश्ता भी कर लिया, अब हॉल जाने का टाइम हो रहा है। सभी ओशो सन्यासीन खा रहे हैं। स्वामी जी अच्छा है? ढेर सारे सन्यासी लोग इधर माला नहीं पहनते, क्यों तो मालूम नहीं है, लेकिन तपोवन में स्वामी आनंद अरुण माला का महत्व महिमा बताते हैं, इसीलिए तपोवन से हमने वो माला का महत्व का एक पर्ची लेकर आया है। अगर माला नहीं पहनते तो कैसे शिष्यत्व, तो उसमें लिखा हुआ है, वो हम बांट देंगे इधर। गगन स्वामी जी लेकर आ रहे हम, वो बांटेंगे सभी लोग। और का वेरी ब्यूटीफुल कंटिन्यू दिस वे, जारी रखो संन्यास। मेरे संन्यासी मेरे हाथ हैं, मेरे संन्यासी मेरे प्राण हैं, ये उनके शब्द हैं। We'll be right back.
यार है यहाँ पे। हम पुणे पे है, कार्यक्रम चल रहा है कल इक्कीस मार्च के लिए क्योंकि हमें ओशो आश्रम का एक इंच टुकड़ा भी नहीं बेचने देना है। ये हमारे आगे की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग निश्चित रहिए कि समाधि छोड़ो भैया तुम्हारा स्विमिंग टैंक जो एंट्रेंस गेट का भी एक इंच जगह नहीं जाएगा, इसका हम कोशिश भी करेंगे और हमें जब तक हम एज एन एडवोकेट हम लोग है, हमें 100% गारंटी और 1000% हम लोग को कॉन्फिडेंस है। लेकिन आखिर को जैसे रजनीश का आप लोगों ने भी समझाया, मैंने भी जो थोड़ा बहुत किया है कि कोई चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते, जैसे जिंदगी बोलो या कोई भी, तो वो 1% छोड़ा तो भी हम लोग 1000% कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जीतेंगे। और उनको चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे कहीं पर भी जाए, उनको कुछ मिलना नहीं है, ताकि उन लोग रॉन्ग है और जो जिसका फुटिंग रॉन्ग होता है, जैसा रजनीश का जो पढ़ा है उसके मैं मेरे वर्ड्स में बोलता हूँ कि रॉन्ग फुटिंग पे जो काम किया होता है वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होता। और वो इफेक्ट का हम लोग खड़े हैं ना तो कोई सामने नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे इधर आएंगे। जो भी आपके मन में आ रहे आप अपने हृदय से लिखिए और एक एक कंप्लेन हम फाइल करके इंडिविजुअली उनके पास जवाब मांगेंगे और वो इतने जवाब हमको दे नहीं पाएंगे। और ये ही चीज़ आपके जीत बनेगी, यही आपका हथियार होगा आगे जाके। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप समय निकाल सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट आपके गुरु के लिए और प्लीज़ आप ये करिएगा, है ना। ओके Swami Tathagat, all the sannyasins from Nepal who have come here. और 2 बजे सब आ जाइए, एक साथ में हम ट्वीट करेंगे। अभी हम ओशो समाधि आश्रम जाके एंट्री करके बाहर आ रहे हैं। बाहर पुलिस तैनात थे, बॉडीगार्ड तैनात थे, किसी आश्रम पे बॉडीगार्ड और पुलिस तैनात नहीं होती। लेकिन हमारे गुरु के आश्रम, उन्होंने हमारे गुरु का आश्रम लूट गया ना, स्टोल कर गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फोटो खींच रहे हैं लोग, लेकिन वो फोटो खींचने मना कर रहे, नहीं दे रहे, बॉडीगार्ड रख रहे। हम किसी आश्रम पे, किसी गुरु का आश्रम पे, हमारा गुरु है, हमारा सदगुरु है ओशो, किसी का गुरु का आश्रम पे इसे आपने देखा है कोई भी आश्रम पे वो बॉडीगार्ड वगैरह रखते हुए? लेकिन यहाँ बॉडीगार्ड है, पुलिस है, महाराष्ट्र का पुलिस क्या करते हैं? इन लोगों ने हमारे गुरु को पहले तो मर्डर कर दिया, गुरु को मारा, थीलियम डाल के, कहते हैं अमेरिका ने थीलियम डाल के 16 पॉइजन डाला था, लेकिन मेडिटेशन से गुरु थीलियम से पार हो गए थे। उसके बाद में इन लोगों ने ओशो की खुद की अपनी माने का है, इन लोगों ने मारा है, जयेश और अमृतो ऐसा लोगों ने मारा है आश्रम कब्जा करने के लिए। क्यों ऐसा कर रहे? क्योंकि ओशो से सब डरते थे। अमेरिका जब ओशो पहुंचे तब ओशो का फॉलोअर इतना बढ़ गया था, रजनीशपुरम इतना फैल गया था, तो इन लोगों ओशो का वो फैलावा से डर आया है और उन्होंने ओशो को अमेरिका और 21 अमेरिका में ओशो को थीलियम डाला और 21 देश में ओशो को बैन कर दिया। फिर जाके इधर आके ओशो को मार दिया। वो किचन और विधर्मी लोगों ने ओशो को मार के कब्जा किया। ओशो काले रंग से नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है, इसलिए काला कपड़ा नहीं पहनने को कहते थे। लेकिन ये लोग ने सभी आश्रम को काले रंग से रंगाया, नेगेटिव एनर्जी भर दिया और ऐसा ही है। इसीलिए हम ये ओशो आश्रम बचाने के लिए हम आ रहे और हम जितने सकते हैं वो लड़ते हैं, फाइट करते हैं। देखिए यहाँ का कानून फरारी और यहाँ का सरकार क्या करती है। हम नेपाल से आकर ओशो आश्रम के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ का सरकार, यहाँ का मीडिया क्या कर रही है, आप भी देखना चाहिए।
आपका देश का गुरु है ना, बचाओ, टूरिस्ट भित्र आओ। इन लोगों के पास अगर आश्रम गया तो जाएंगे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी देश पे, आपका आर्थिक स्थिति क्या बढ़ जाएगी? दूसरी देश का जिस देश ने कब्जा किया है वही देश का आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगा ना। ओशो से तो विश्व डरता है ना, क्योंकि अगर क्रिश्चियन जैसा ओशो फैल गया और फैल गया क्रिश्चियन जैसा अगर ओशो फैला तो उनको डेंजर समझकर उन्होंने ये डिस्ट्रॉय कर दिया, ओशो का फ्लोर देख के, इसीलिए ओशो को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया बचाओ, ओशो बचाओ, आश्रम बचाओ। हम नेपाल से आकर बात बोल रहे हैं, इंडिया में क्या कर रहे हो आप लोग? देखिए चौक चौक पे ओशो के लिए, ओशो का आश्रम के लिए ओशो सन्यासी खड़े प्रोटेस्ट करने के लिए, आश्रम प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े। आसाद में जाएंगे, आश्रम जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, सब ठाव में हम जाकर हमारा कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। हम अभी पुणे आश्रम के ओशो इंटरनेशनल के नज़दीक है, उन लोगों ने काली बार बनाकर रख दिया है। हमारे गुरु ओशो हमारा बिलोब मास्टर काली रंग ना पहनने के कहते थे, लेकिन वो लोग सभी आश्रम को काला कर दिया, नेगेटिव एनर्जी काला रंग अट्रैक्ट करते ऐसा हमारा गुरु बोलते। लेकिन उन लोगों ने नेगेटिविटी लिए ही रखा है आश्रम के अंदर, कुछ हमारा गुरु का तस्वीर नहीं लगाया हुआ है। उन लोगों हमारे गुरु का तस्वीर से भी एनर्जी आता है ऐसा उनको पता है, इसीलिए तस्वीर से भी डर जाते हैं उन लोग। हमारे गुरु का आश्रम में हमें एंट्री नहीं दी जाती है, ऐसा बनाकर रख दिया है, बिजनेस चला रहा है अंदर, इसीलिए हम उसका अगेंस्ट हम धरना बैठा है इधर आगे। संसार के किसी आश्रम पे ये बॉडी बिल्डर बाउंसर नहीं होते, लेकिन हमारे आश्रम पे पुलिस है, बॉडी बिल्डर है। ओशो के आश्रम में ओशो के ही सन्यासी को अंदर एंट्री नहीं दे जा रही है, इसलिए उसके लिए हम सभी सन्यासी फ्रॉम द ऑल ऑफ द वर्ल्ड बैठे और धरना दे रहे। आप देख सकते हैं वो हमें अंदर जाने नहीं देते, लेकिन हम उन्हीं बाउंसर को फूल दे रहे हैं। हम धरना बैठ रहे हैं, लेकिन हम सारे पुलिस वाले आप देख सकते हैं, हम लोगों ने उनको फूल दिया और फूल लेके बैठ रहे। हम शांत और हमारे ओशो के आश्रम पे हमें अंदर जाने के लिए दिया जाए, इसीलिए हम इधर बैठ रहे और उनको फूल दे रहे, हल्ला नहीं कर रहे, शांत स्वभाव में बैठे और उन लोगों को फूल दे रहे। हम और कुछ नहीं चाहते, हम हल्ला करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं चाहते। आज ओशो का 17th इनलाइटेंड डे है। हम ओशो का इनलाइटेंड डे पर ओशो के आश्रम पे आश्रम एंट्री नहीं होने देने का आंदोलन है, आश्रम एंट्री नहीं होने का रोक लगाने का एंट्री। बाउंसर और पुलिस और ढेर सारे लोग आश्रम के अंदर है, लेकिन ओशो के आश्रम पे ओशो का सन्यासी बाहर खड़ा रहने पड़ रहा है। देखिए बहुत अच्छा बात नहीं है, बताने के लिए आए हैं कि ओशो का आश्रम जो है वो बिकना नहीं चाहिए, और साथ साथ में जो माला पे प्रतिबंध है वो माला पे भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरे भारतवर्ष से लोग प्रोटेस्ट के लिए आए, हम भी इसमें आए। एवरीबॉडी प्लीज रिमूव द वोट, वोट वोट एवरीबॉडी प्रोटेस्ट फॉर द वोट, वोट प्रोटेस्ट के वोट निकाल दीजिए सब गले में से अपने, रिमूव योर वोट, ऑल वोट शुड बी केप्ट आउटसाइड ऑल वोट एंड देयर इज नो प्रोटेस्ट, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, दिस इज आवर आश्रम, सो वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज ओन, नोबडी विल टॉक अबाउट द आश्रम एंड वी आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम। इनको बता दो जिसको मालूम नहीं है, कीप कीप ऑल द वोट, ऑल द वोट, ऑल द वोट आउटसाइड, एवरीबॉडी विल गेट रजिस्टर्ड वन बाय वन एंड गो इनसाइड, जोर से एक बार बोलो ओशो, 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 ओश
हम नेपाल से और दूसरे सभी देशों से सन्यासियों आ रहे थे, सन्यासी आ रहे थे। आज हमारा हम सक्सेस हो गए अंदर माला से अंदर। स्वामी जी हम अंदर जा रहे हैं आज, हम अंदर जा रहे हैं, माला लगा कर जा रहे हैं। वाओ, फाइनली वी सक्सेस, वी सक्सेस टू एंट्री। हम जिस लक्ष्य से नेपाल से आ रहे थे सो आश्रम माला पहनकर सके आश्रम जाने के लिए, हम आज सक्सेस हो रहे हैं। लोग पुलिस भी साथ दे रही है और हम अंदर जा रहे हैं माला से। स्वामी जी का खुशी का आंसू आ रहा है आज, 17th वो सो इनलाइटेंड है, खुशी का आंसू आ रहा है। स्वामी जी रो रहे हैं, स्वामी जी फाइनली हम जा रहे हैं, रोइए मत स्वामी जी, आज खुशी मनाएंगे हम। आज हम माला से जा माला पहन कर जाएंगे। आज 17th दोस्तों इनलाइटेंड डे, आज ढेर वर्ष से हम बैन थे इधर माला पहन के जाने के लिए और करीब 1000 रुपये हम पे करने पड़ते थे एंट्री के लिए, लेकिन हम आज सक्सेस हो रही है। हम धरना दे रहे थे, पुणे का आश्रम सेल नहीं करना चाहिए, विदर्मी लोगों ने आश्रम सेल करने का बात किया था, सेल करना ट्राई भी किया था। आज हम पुलिस भी साथ दे रही है और हम शांत होकर सेलिब्रेशन करते हैं 17th ओशो इनलाइटेंड डे, ओशो इंटरनेशनल ओशो का आश्रम पुणे के अंदर। ओशो रहते थे यहाँ, ओशो का पैर और ओशो इसके आगे कदम रख के चलते थे। ओशो के आश्रम पे ओशो के सन्यासियों को बैन कर दिया था विदेशी विधर्मी लोगों ने, लेकिन आज हम सक्सेस हो रहे ओशो के आश्रम के अंदर जाने के लिए। यहाँ का पुलिस बहुत साथ दे रही है, हमको बहुत खुशी आ रही है। बोलने के लिए ओशो का नाम लेने के लेने का भी हमको परमिशन नहीं दिया था, लेकिन वो आप अंदर देख सकते हैं, अंदर ओशो का तस्वीर से भी डर जाते हैं लोग, तस्वीर से भी एनर्जी आकर वो जो ओशो को डिस्ट्रॉय करने चाहते हैं ये लोग, वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए ओशो का तस्वीर भी नहीं लगाया हुआ है। बढ़िया हो गया है, हाँ बढ़िया हो गया है। कितने साल से हम अंदर नहीं जा पाते थे? करीब 15 साल से। 15 साल से आज हम अंदर माला पहन के जाने के लिए सक्सेस हो गए, बहुत खुशी की बात है स्वामी जी। आप ढेर सारे इंडिया का उस सन्यासी का देन है स्वामी आनंद अरुण तपोवन से नेपाल से भी बोलते रहते हैं। हाँ ये उन्हीं की जो है प्रेरणा से हो रहा है, हाँ उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया है, बहुत शानदार है। प्लीज प्लीज मूव बैक, अंदर कार्ड बन रहा है, एक बार वहीं रहिए, जैसे रहिए, क्राउड मत करिए, सबको लेंगे प्लीज, हमारा बन रहा है प्लीज। प्रशांत स्वामी जी 1000 रुपये दे, कंट्रोल करो, गुरु का फोटो पुलिस ले जाकर गाड़ी में रख रही है, यही तो अच्छा बात है। हमारे अंदर कार्ड भी बन चुका है, इसलिए हम अंदर जाते हैं अभी। इनसाइड विद माला, वाओ अमेजिंग। ये ओशो की माता और पिता की समाधि स्थल है, उनके जो शरीर थे वो इसके अंदर है।